हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं मटर पनीर। मटर पनीर के लिए मैंने 150 ग्राम पनीर लिया, उसे कट किया। कट करने के बाद में अब उसे हम फ्राई करेंगे। इसे हम डीप फ्राई कर रहे हैं। अब जो हमारा पनीर है वो तल गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें जीरा डालेंगे। आप इसमें से थोड़ी सी ज़्यादा हल्दी, 1 स्पून धनिया, 1 स्पून सौंफ, ये 5 टमाटर लिए थे मैंने मिक्सी जार में, काट कर ग्राइंडर कर लिए। हमारी ग्रेवी है वो तैयार हो चुकी है, कलर भी चेंज हो गया है। इसमें 2 स्पून मैंने मलाई लिया, अब इसको डालेंगे इसमें। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इसमें मटर लिए, अब मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। 1 स्पून मैं इसमें साल्ट लाऊंगी, 1 स्पून गर्म मसाला। मटर को मैंने 1 मिसल डलवा दी थी, इसलिए इसको सिर्फ 5 मिनट पका के फिर हम इसमें पानी को ऐड कर देंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, इसीलिए आपको ज़रूरत है उसके अनुसार आप ऐड कर सकते हैं। और इसे अब हम ढक देंगे। अब हम इसमें पनीर को मिला देंगे। पाँच मिनट पकने देंगे। अब हम इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे।
फ्रेंड्स हमारी सब्ज़ी बन चुकी है, अब हम गैस ऑफ कर देंगे।